अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे, है ना। टोटल जो वेटेज है इसका 1 मार्क्स का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे क्या भाई? देखो इलेक्ट्रो मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, और स्टैट मतलब क्या होगा? स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो जिस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रेस्ट में रहेगा, उस चैप्टर को हम लोग बोलेंगे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जिस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन डायनेमिक कंडीशन में, मतलब चलते हुए रहेगा, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या उसका दूसरा नाम हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। सब चार्ज पे आएगा। चार्ज अगर चलेगा तो करंट है, चार्ज अगर स्थिर है तो चार्ज। अब चार्ज जो हो गया वो दो तरह का होता है। एक हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, जानते ही हो सबको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दो तरह का चार्ज होगा, वन बाय वन करते हैं। और एक होता है न्यूट्रल। तो देखो जितना भी बॉडी है, चाहे कोई भी बॉडी होगा, हमको पता है इलेक्ट्रॉन सबके पास पहले से होता है, है ना, ना कि हम लोग जनरेट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। तो कोई भी बॉडी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम कितना हो गया 11 और 23, इसको बोलते हो एटॉमिक नंबर और इसको बोलते हो मास नंबर। तो अगर इसके पास 11 है, इसका मतलब नंबर ऑफ, यानी अगर बोले कि बताओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोले तो जो मास नंबर है उससे माइनस कर देंगे, 23 माइनस 11 यानी 12। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है पता ही, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹। एक चीज अभी जो बता रहे, ध्यान सुनो। देखो तुमको बार बार 1.6 × 10⁻¹⁹ लिखने का जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, कौन बार बार 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम करेगा, इसको हम लोग ई से लिख देते हैं। लेकिन इस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी बार बार 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम को लिखने के झंझट से बचने के लिए हम लोग छोटा वाला लिख देते हैं, है ना। इसका मतलब अगर हम बोले कि बताओ इसके पास कितना चार्ज है, तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो गया, 11 × −1.6 × 10⁻¹⁹। हम इसको चाहे तो 11 × −1 लिख सकते हैं या −11 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे जगह ही लिख सकते हो। अगर बोले बताओ तो प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, 11 × +1.6 × 10⁻¹⁹ यानी 11 × +11। इसके पास कितना चार्ज है, तो न्यूट्रॉन कितना है 12, तो इसके पास चार्ज नहीं होता, तो चार्ज कितना होता, 0। 0 मतलब यहां पे क्या होता है, हम एक चीज बताते हैं, वैसे हायर स्टडी का है, हम क्लास में बताए भी थे तुम लोगों को कि न्यूट्रॉन जो होता है ना वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल किसको बोलते हैं, जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर हो गया तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं।
अब चार्जलेस मतलब चार्ज है ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है, कुछ नहीं। तो न्यूट्रॉन के बारे में अगर तुमसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, तो तुम कभी भी ये मत बोलना कि न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल। नो, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इसके पास जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, लेकिन ये हायर स्टडी में सीखोगे, है ना। तो वहां पे क्वांटम आएगा, क्वांटम थ्योरी वहां पे सीखते हैं हम लोग। तो वहां पे नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक चीज ट्वेल्थ में पढ़ाएंगे तुमको, जब तुम ट्वेल्थ पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर है न्यूक्लियाई, तो रेडियो एक्टिविटी में होता है बीटा डीके, होता है अल्फा डीके, होता है बीटा डीके, होता है गामा डीके। बीटा डीके जो होता है वो होता है जिसका मास नंबर 30 से कम होता है, वहां पे होता है बीटा डीके। बीटा डीके में हम लोग सीखेंगे कैसे प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो सकता है न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन जब वो भी कन्वर्ट हो सकता है आराम से प्रोटॉन में। सिर्फ एक क्वार्क का ट्रांसफर अगर करेगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन सकता है। यही जो कन्वर्जन होता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बदलना या न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बदलना, इसी को बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके बोलते हैं, है ना। तो ये हम लोग सीखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि आखिर कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदल जाता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल, मात्र एक चीज ट्रांसफर करेगा, वो एक चीज को क्वार्क बोलते हैं। तो यहां पे तुमको फिलहाल इतना मतलब कि न्यूट्रॉन तुमसे अगर पूछे बताओ न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना है, तो तुमको जीरो नहीं बोलना है। न्यूट्रॉन के पास कितना होता है, चार्ज तो नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है इसका मतलब जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल पार्टिकल बोला जाता है, है ना। तो न्यूट्रॉन हो गया न्यूट्रल पार्टिकल। और ऐसा कोई सामान नहीं होगा जिसके पास चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सबके पास होगा, इसलिए चार्ज तो सबके पास होगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट हर पार्टिकल चाहे मार्कर क्यों ना, हर पार्टिकल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब किसी ऑब्जेक्ट के पास आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज कब आता है उसको देखना। एग्जाम्पल सोडियम का ही लेते हैं, 11 है 23 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको सब पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास 11, तो चार्ज कितना हो गया इसके पास -11e। नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी 11, चार्ज कितना हो गया +11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, लेकिन चार्ज कितना कुछ नहीं। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, यानी टोटल चार्ज कितना, तो माइनस चार्ज चूंकि स्केलर होता है इसे सिंपल अल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो नेट चार्ज क्या होगा जीरो। नेट चार्ज मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। हम क्या बोले, कोई भी सामान हो चाहे सोडियम हो पोटासियम हो क्लोरीन हो मार्कर हो हम हो खुद अपने, है ना, नॉर्मली अगर सबके पास चार्ज होता है, सबके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबके पास होता है, लेकिन क्या होता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन हो जाता है, इसलिए नेट चार्ज क्या होता है जीरो हो जाता है। अच्छा इसका देखो तो पहले क्या हो गया, ये इसका न्यूक्लियस कितना प्रोटॉन है 12 प्रोटॉन सर न्यूट्रॉन, अरे 11 प्रोटॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, एक और बना देते, और अंतिम ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 8 1 होगा 11 2 8 10 11। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप एनर्जी दिए, देखो अपने मन से इलेक्ट्रॉन ना निकल सकता है ना घूम सकता है, जब तक तुम एनर्जी नहीं दोगे तब तक नहीं हो सकता है। अभी फिलहाल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, टोटल चार्ज कितना हो गया जीरो। अगर मान लो एनर्जी दिए, है ना, एनर्जी दिए चाहे जैसे दें, हीट करके दें, बैटरी लगा करके करें,
सनलाइट के पास रखते हैं, जैसे भी दे, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ बाहर निकला, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? तो पहले इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना था, देखो तो 11, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोटॉन तभी भी 11 ही रहेगा, न्यूट्रॉन में भी कोई परिवर्तन, न्यूक्लियस ऐसे ही सेफ रहेगा। तो अब अगर बात करें टोटल चार्ज कितना होगा, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो इसके पास चार्ज कितना होगा, प्लस 1। एक प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा बढ़ गया ना, मतलब प्लस में हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर देगा, एक प्रोटॉन फिर भी बचा रह गया। तो जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो ऐसी चीज होता ही रहेगा। तो तुम बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो गया, मतलब मेजोरिटी कैरियर हो गया, सरप्लस तो नहीं होता है, ज्यादा संख्या बढ़ नहीं सकता है, मेजोरिटी होता है, मतलब तादाद बढ़ गया उसका एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास चार्ज कितना हो गया, प्लस 1e, तो इसका मतलब चार्ज हो गया प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹। तो यहां पे कंक्लूजन हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के पास तब आएगा, या किसी भी एलिमेंट के पास, किसी भी एटम के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्योंकि खुद तुम सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाएगा, तो प्रोटॉन तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए प्रोटॉन एज ए मेजोरिटी कैरियर हो जाएगा, इसलिए प्रोटॉन सरप्लस बच जाएगा तुम्हारे पास, तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका कंक्लूजन यह हुआ कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम था, सोडियम से जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो उसके पास चार्ज आ गया। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव होता तब तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, नेट चार्ज जीरो था, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसके पास एक प्रोटॉन सरप्लस हो गया, मतलब मेजोरिटी हो गया, तो चार्ज कितना हो गया, ऐसे लिखते हैं, देखो एन ए प्लस सिंबल दिए, एक प्लस दिए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ तो एन ए प्लस के पास कितना चार्ज है, इसके पास कितना चार्ज है, तुम बोलोगे प्लस ई है, यानी प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹। अगर यही चीज सीयू होता, कॉपर होता, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता, तो चार्ज कैसा होगा इसके पास, Cu2+। इसका Cu2+ बोलने का निष्कर्ष क्या है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, इसका मतलब 2 प्रोटॉन सरप्लस हो गया है। और ये E मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन बार बार लिखेगा प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, उसी की जगह ई लिखते हैं, तो Cu2+ के पास कितना हो गया चार्ज, प्लस 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तुम चाहो तो इसको प्लस 2 ई भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब कोई भी सामान है, कोई भी सामान है, बाय डिफॉल्ट इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, है ना। लेकिन अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके पास चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये इस तरह से पॉजिटिव। कम लोग दिखाते ऐसे करके पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव दिखाए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया है इससे, है ना। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हुआ, तो क्यू बराबर क्या होता है, n × e। और यहां पर एन क्या होता है, ये जो n है ये क्या है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देखना, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, n है टोटल नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस हिसाब से, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो n की जगह 1 फुट कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 फुट कर देना, यानी जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तब तक पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता। इसलिए गलती से भी ये n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत बोल देना, चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, जब निकलेगा, है ना। इसलिए n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एग्जांपल एक दो और कर लेते हैं, है ना, कह रहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है,
मान लो ये मार्कर है ऊपर टाइम है ना, इसको घसे पूरा है ना, और इससे इलेक्ट्रॉन सब निकलते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सब निकलते जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज है। कराकर 200 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इससे, कितना इलेक्ट्रॉन निकल चुका है 200 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बताओ तो इसके पास कितना चार्ज होगा, तुरंत लगा देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो चार्ज होता +1 × E, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 × E, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3 × E, एन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एन। कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 200, यानी चार्ज हो गया 200 गुना, और इस ई के जगह वैल्यू पुट करते हैं कितना चार्ज। या इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, कह रहा बताओ तो आखिर इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यानी इस बार हमसे एन पूछा गया, चार्ज दिया हुआ कितना है 2 कूलम। कह रहा इस ऑब्जेक्ट के पास कितना चार्ज है 2 कूलम है, तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो हम फिर से लगा देते हैं क्यू बराबर क्या होता है N × E, कितना चार्ज दिया हुआ 2 कूलम, हमसे पूछा क्या है N, N यानी कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, E का वैल्यू हमको पता है, E मतलब ये होता है, तो N इक्वल टू कितना होता है 2 कूलम बाय 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम कट जाएगा तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹। तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ है ना, और ये कट भी जाएगा कितना 1.25 × 10⁻¹⁹। तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। इस बार हमसे पूछा गया कि बताओ अगर इसके पास चार्ज है 2 कूलम तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा इससे, तो Q बराबर क्या किए N × E लगा दिए, Q के जगह कितना पुट कर दिए 2 कूलम, E हमको पता ही रहता है, तो Q N इक्वल टू कितना हो गया 2 बाई इतना, और सॉल्व कर दिए कितना गया इतना गया है ना, इसका इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जाकर के इसके पास चार्ज आएगा 2 कूलम है ना, ये कंक्लूजन। अब आता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आ गया किसी के पास है ना, तो एग्जांपल लेते हैं पहले। पॉजिटिव चार्ज समझ में आई क्या, कि पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अब नेगेटिव चार्ज कब आएगा, तो नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी चीज में, एनर्जी हर समय लगेगा चाहे ऐड करो या रिमूव करो। जैसे एग्जांपल क्लोरीन 17 and 35, यही है इसका मतलब। क्लोरीन अगर देखें तो 17 प्रोटॉन हो गया, 18 न्यूट्रॉन हो गया, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से। इस बार इलेक्ट्रॉन ऐड होना आसान है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर पूछे तो बताओ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही, यानी 17 हो गया, तो चार्ज कितना हो जाएगा -17E, 17 × −1.6 लिख दिए। अब अगर तुमसे पूछे बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, वो भी 17, यानी चार्ज कितना होगा +17। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर में घटा देंगे नंबर, ये ठीक नहीं चार्ज कुछ नहीं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो -17 ही इसका है, इसलिए सिंपल जोड़ी तो टोटल चार्ज कितना होगा, यानी इसके पास नेट चार्ज अगर बोले कितना होगा तो 0 होगा। लेकिन अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एनर्जी देने के बाद, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 से बढ़कर कितना हो जाएगा 18,
चार्ज हो जाएगा माइनस एक। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन होना नहीं है ना ही न्यूट्रॉन में, तो टोटल चार्ज कितना हो जाए माइनस 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन और 70 प्रोटॉन, तो चार्ज कितना हो जाए माइनस 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देता, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस बच गया इसके पास। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कब आया इसके पास, जब इलेक्ट्रॉन घुस रहा है तब ना नेगेटिव आएगा। तो अगर क्लोरीन है और उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो चार्ज कितना हो जाएगा Cl माइनस। सो कैसे लिखते हैं Cl माइनस। और तुमसे अगर पूछे बताओ Cl माइनस पास कितना चार्ज है तो तुम बोलो इतना चार्ज, तुम चाहो तो इसको माइनस ई मिल सकते। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो गया तो चार्ज कितना हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो होगा ऐसे, जैसे SO4 टू इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है SO4 टू माइनस, तो तुमसे पूछेंगे बताओ तो SO4 टू माइनस पास कितना चार्ज होगा, तो माइनस 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 प्लस यानी माइनस 2। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो चार्ज कैसा होगा नेगेटिव होगा, है ना। तो कंक्लूजन यहां पे क्या निकला, फिर से चार्ज का फॉर्मूला एन इंटू ई ही हुआ, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन घुसेगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए एन क्या होगा इस बार टोटल नंबर ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन जुटा है ये है, अगर नहीं जुटेगा तो चार्ज नहीं होगा, है ना। तो कंक्लूजन ये है कि चार्ज तभी भी तब आता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या किसी भी पार्टिकल या एटम के पास जब या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले से तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन सरप्लस हो गया, या नहीं तो इलेक्ट्रॉन घुसे इसमें, और अगर इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरियर हो जाएगा, ज्यादा अगर चार्ज क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कब आता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और नहीं तो नहीं आ सकता है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि चाहे पॉजिटिव चार्ज रहे या नेगेटिव चार्ज रहे, चार्ज तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, शेयरिंग मतलब आदान प्रदान होगा, है ना। जब तक आदान प्रदान नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं आ सकता है किसी भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट एटम मॉलिक्यूल के पास, है। और बाय डिफॉल्ट हर समय चार्ज न्यूट्रल होता है, है ना, ये चीज है। तो जैसे तुमसे पूछेगा बताओ तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इससे 200 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, जैसे देखे अच्छा बाहर निकला है इसका मतलब ये पक्का हो गया कि इसके पास चार्ज कैसा होगा नेगेटिव। तो यहां पे बोले बताओ तो कितना चार्ज आया इसके पास, तो q बराबर क्या होता है n इंटू ई, और ये n क्या होता है रिमूव या एडेड। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकला है स्वाभाविक है नेगेटिव चार्ज आएगा, चलो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है रिमूव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाए कैसा होगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू ई, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है 200 गुना 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और आगे क्या लगाएंगे माइनस, क्यों माइनस लगाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ऐड हो रहा है ना, तो इतना चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो n होता है वो कैसा होता है नेगेटिव इंटीजर होता है, और यही अगर 200 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यही अगर 200 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है जैसा भी थोड़े पहले बताए थे, इस बार चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव होगा, आंसर तभी भी वही रहेगा वही फॉर्मूला वही सब चीज, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इसलिए चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो इस बार जो n होगा वो n कैसा होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी अगर चार्ज किसी के पास पॉजिटिव होगा तो उस पर जो n होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव इंटीजर, और n होता क्या टोटल नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस बार नेगेटिव क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है इसलिए चार्ज कैसा होगा नेगेटिव होगा, इसलिए n क्या होता है नेगेटिव इंटीजर। अब अल्टीमेटली फाइनली
चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ई। यदि अगर तुमसे कोई पूछे कि चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखोगे तो एन इंटू ई होता है, और एन होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर मतलब दोनों, लेना और देना दोनों। और एन कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फ्रैक्शन में, जीरो भी। तो पॉजिटिव इंटीजर कब होगा, जब चार्ज पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इंटीजर कब होगा, जब चार्ज नेगेटिव होगा। ये चीज अब इसमें एक चीज और आता है यहां पे कि इंटीजर ही क्यों होगा, फ्रैक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बता रहा है, देना और लेना। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ इसके पास चार्ज जो है वो 32×10⁻¹⁹ कूलम है, तो बताओ तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हो। तुम तुरंत फॉर्मूला लगाएगा क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। क्यू को जगह क्या लिखा, 32×10⁻¹⁹ कूलम। ई के जगह क्या लिखा, 1.6×10⁻¹⁹। ये और ये कट गया, कूलम कूलम भी कट गया, और एन इक्वल टू आ गया 32/1.6 यानी 20। इस तरह 20 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जाकर के इसके पास चार्ज कितना है। अच्छा अगर 32 के जगह 3.2 होता फिर से वही करते, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, यहां पे 3.2 कर देते, तो आंसर कितना होता, 2। यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब चार्ज इसके पास आ गया। लेकिन अगर इसका एन 30 दे देते, सिर्फ 32 नहीं लेते, फिर से लगाते तो क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। क्यू कितना दिया हुआ, इतना कारण बताओ कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। फॉर्मूला लगाए इस बार एन इक्वल टू कितना हो गया, ये तो कट ही गया, 30/1.6। तो 30/1.6 अगर आता है तो आगे 18.75। इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तब जाकर के चार्ज इसके पास इतना आएगा। और ये पता है ये गलत होता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, एन क्या बता रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकला है। देखो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, या चींटी हो, कोई भी हो, तुम कभी भी पॉइंट, तुम कभी ऐसा बोल सकते हो कि तीन चींटी आई या चार चींटी आई या चार चींटी गई, है ना, या कोई जानवर ही, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि 3.5 चींटी है, 4.25 चींटी है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहां पे पॉइंट में नहीं बोल सकते हम चींटी रहे या कोई व्यक्ति रहे या कोई भी जानवर रहे, नहीं बोल सकते। तो यहां पे एन क्या है, पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकला हुआ। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, दो निकल सकता है, तीन निकल सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आधा निकल गया आधा रुका हुआ, यानी 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहां पे आंसर कितना है, 18.75। क्या इसका पॉइंट हटाने का कोई उपाय है, नहीं हटा सकते हो, पॉइंट हट नहीं सकता है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि इसके अनुसार 19 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकला है। तो 18 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 19 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, लेकिन आधा या 19 में नहीं हो सकता है। इसलिए तुमसे कई बार एग्जामिनेशन पूछता है, बताओ ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो तुम बोलोगे ये चार्ज इम्पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, यस और नो में आंसर देना होता है ना, तो ये चार्ज नहीं संभव है ना, क्योंकि ये इसका आंसर किसमें आ गया, पॉइंट में आ गया। लेकिन अगर यहां पर ऐसे दे देता क्यू बराबर 2 कूलम, है ना, अब देखो तो क्यू बजाय जैसे तुम 2 कूलम लिखोगे तो एन इक्वल टू कितना आ गया, देखो कूलम कूलम कर दिया,
तुम लोग इस बार तो पॉइंट आया, इसका ये चार्ज संभव नहीं है, नहीं ये पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ये चार्ज संभव है। जबकि पिछले बार का आंसर क्या आया था, पिछले बार जो एन का आंसर आया था वो 18.75 आया, इसको हटा सकते हो तुम, पॉइंट को नहीं हटा सकते। तो अगर पॉइंट में आ गया है तो तुमको चेक करना होगा कि क्या पॉइंट हट सकता है, अगर हट गया था तो हो ही सकता है, और अगर नहीं हटा पा रहे तो इसका नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन यहां पे आया कि चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, इसलिए हर पार्टिकल, हर ऑब्जेक्ट, हर सामान बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल होता है, है? यानी तुम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मार्कर इज ए चार्जलेस पार्टिकल, नहीं, मार्कर इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है, है ना। और चार्ज कंडक्टर में भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर में भी हो सकता है, इंसुलेटर में हो सकता है। तुम एग्जांपल वो कंकी वाला एग्जांपल घसते हैं हम लोग, सब पढ़े हो, चार्ज आता ही नहीं इसके पास। तो चार्ज के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं कि कंडक्टर में ही होगा, सेमी कंडक्टर में होगा, चार्ज सबके पास हो सकता है, लेकिन करंट किसमें होता है, सिर्फ कंडक्टर में होता है, क्योंकि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जब चलने लगेगा तब करंट बोलते हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है कि चार्ज को चलने में, इलेक्ट्रॉन को चलने में आसानी होता है, और सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर में क्या होता है, चलने में दिक्कत होता है, बस यही फर्क है। चार्ज होता सबके पास है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे निकल सकता है, लेकिन निकल करके बाहर जाना चाहे, चलना मुश्किल, ये चीज है। जिसमें चलना मुश्किल हो जाएगा इसका मतलब उसमें करंट नहीं है, जिसमें चलना आसान हो गया, इलेक्ट्रॉन चल पा रहा है, इसका उसमें करंट होगा। क्योंकि करंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो उसको काउंट करो, उसी को करंट बोलते हैं। जबकि चार्ज किसको बोलते हैं, चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो जो परिवर्तन होगा उसके कारण जनरेट होता है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ई, और एन शेयर इलेक्ट्रॉन को लेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो क्या हो गया, रिमूव किया, नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, एडिट किया, इसका मतलब शेयरिंग होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं हो सकता है ना। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है, इसे सिंपल अल्जेब्रिक सम करते हैं, है ना। तो अभी जो आएगा नेक्स्ट क्लास कूलम्स लॉ, तो वहां पे हम लोग चार्ज का बात करेंगे, करंट का बात बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। इसका अगर कूलम्स लॉ में हम लोग बात करेंगे सिर्फ चार्ज का, और चार्ज जब भी आएगा किसी ना किसी सामान के पास हो सकता है ना, मार्कर होगा, कोई ना कोई सतंगी है, कोई ना कोई सामान होगा उसके पास चार्ज होगा, बिना सामान का चार्ज नहीं हो सकता है ना, सामान होना चाहिए तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एंटर करेगा, इसलिए चार्ज में किसी ना किसी सामान होगा। चलो थैंक यू।